हम जो एनालाइज करते हैं सर वो ऐसी है कि लोगों को बुरी लग जाती है। अब जो शेयर आइडिया के मेरे पास हैं सर, मेरे पास जब लोग 16 रुपए, 15 रुपए, 18 रुपए वाले कमेंट मुझे करते हैं कि यहाँ पर हमने ले रखा है, तो कहीं ना कहीं इसने बंधन बैंक के पूर्व कारोबारी प्रमुख को एक अपना काम लोग आपकी टांग जरूर खींचेंगे और आपको ये समझना है कि वो कौन से लोग हैं जो आपकी प्रगति पे अंकुश लगाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सुबैक्स की, और बात करेंगे सर केबीसी ग्लोबल की, बात करेंगे एसबीआई की, और बात करेंगे सर यस बैंक की। इन सब की बात करने से पहले सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम कोई शेयर लेते हैं तो उसमें हमें उछाल की उम्मीद बढ़ जाती है, लेकिन जब उस शेयर को लेने के बाद जब उसके अंदर गिरावट आ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, उसे भी हम गवाने लग जाते हैं। मतलब कि ये मैंने क्या ले लिया, मतलब हिबूचल से हो जाते हैं हम। सर जब हम शेयर लेते हैं ना, तो जो आपने उसको समझ कर लिया है तो उसमें तो आपको टाइम देना पड़ेगा सर। हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना सर, वो बरकरार रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग आपकी टांग जरूर खींचेंगे और आपको ये समझना है कि वो कौन से लोग हैं जो आपकी प्रगति पे अंकुश लगाना चाहते हैं। वो होते हैं सर आपको लालच दिखाने वाले। मैंने आपको हर बार कहा है कि मार्केट में सिर्फ काम को जानिए, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन जब तक कि हमने जो काम जमीनी लड़ाई में हो रहा है शेयरों में वो नहीं समझा, तो हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। शेयर का काम है सर चढ़ना उतरना, एंट्री अपनी जो है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए और एग्जिट अपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए, तब जाकर आपका इन्वेस्ट डबल होने की भी उम्मीद बढ़ जाती है। पर उसके लिए तो अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना पड़ेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ सर, क्योंकि जिस तरीके से सुबैक्स ने आपको लगातार 3 दिन तक के इतना उछाल, और आपको ये भी समझना चाहिए था कि जब कोई शेयर इतनी तेजी के साथ ऊपर जाता है तो उसके अंदर प्रॉफिट बुक भी होना लाजमी होता है। कि जब कोई शेयर अपना अपर सर्किट थोड़ा सा खोलता है ना सर, फिर वो लोग घबराहट करके निकल जाते हैं जो इसके अंदर एंट्री करते हैं, तो फिर और ज़्यादा गिरावट हो जाती है, लेकिन उनके हाथों से शेयर भी निकल जाते हैं जो इसके काम को नहीं जानेगा सर। मैं कह रहा हूं कि इसका रिजल्ट जो है, इसने 5 करोड़ रुपए करीब का प्रॉफिट लाकर दिया है, उसको भी हम नहीं देखेंगे। हमने देखा है कि जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री की अब एजीएम मीटिंग भी होने वाली है शायद 29 तारीख को, तो उसके अंदर वो 5G को ज़्यादा सामने रखेगा और उसके लिए ज़्यादा वो बोलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब वो टेलीकॉम सेक्टर में 4G के लिए भी उतरा था तो तब जब भी उन्होंने इस तरीके से कुछ बातचीत करी थी, तो कहीं ना कहीं जो एजीएम मीटिंग होने वाली है वो 5G के ऊपर ज़्यादा होने वाली है, और उसके क्या क्या चीज़ें क्या क्या निकलेगा समाधान उसके बारे में उनकी एजीएम मीटिंग होगी। अब ये क्यों बता रहा हूँ सर, क्योंकि इसका ताल्लुक सुबैक्स का सबसे बड़े बीडर और सबसे बड़े 5G स्पेक्ट्रम के साथ उतरने वाले मुकेश अंबानी जी के साथ जुड़ गया है। मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि जब हम कुछ काम करते हैं और हमें ऑर्डर नहीं मिलते, तो हमारा लाजमी है कि हमारी बैलेंस शीट पे वो सब चीज़ दिख जाएगी जो हमें काम ना मिलने के लिए दिखती है, यानी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, थोड़ा बहुत काम मिलेगा, कुछ भी काम नहीं मिला तो फिर हमारा घाटा ही चलता रहेगा। तो जब हमारे साथ कुछ अच्छे लोग जुड़ जाते हैं या फिर हमें बहुत बढ़िया काम मिल जाता है, तो वो दिन पर दिन हमारी बैलेंस शीट जो है ना अच्छी होने लगती है। तो इसने जो काम जियो प्लेटफॉर्म के लिए कर रहा है ना, वो एक ऐसा दिशा दे रहा है जो आपको आने वाले दिनों में एक उजाला लाकर दिखाएगा।
मैंने आपको क्या कहा था सर, मैंने कहा था कि ये मंडे से चाहे आपको लोअर सर्किट भी दिखा दे, लेकिन इस शेयर को मेरी रखने की तमन्ना जियो प्लेटफॉर्म में जो ये सुविधा दे रही है उसकी वजह से हो रही है। बल्कि मैं कब का इसके अंदर से सर बाहर निकल जाता, मुझे पता, मुझे आज भी बढ़िया प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि मुझे पता है कि ये लोअर सर्किट भी मंडे से मार सकता है, और वैसा ही इसने किया है सर, और कई लोगों के हाथों से शेयर भी निकल गए होंगे। मैंने किसी को भी ये नहीं कहा इसको खरीदो, मेरे से लोगों ने व्हाट्सएप में भी पूछा, कमेंट में भी पूछा, मैंने कहा था इसका रिजल्ट को देख लो पहले, क्योंकि इसका आज रिजल्ट आना था, उसके बाद अपनी अलग दिशा बनाना। किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखकर आप ये अनुमान मत लगाएं कि उसने ये कहा है खरीदने के लिए, वो और लोग होते होंगे, मेरा मामला है अलग। मैं बोलता हूँ कि इसके जड़ को पकड़ो, और जड़ अगर आपको समझ में आ रही तो अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो जिस तरीके से कहा है कि सुबेक्स ने ये काम कर दिया, अपना लोअर सर्किट दिखा दिया, रिजल्ट भी आ गया है और प्रॉफिट बुकिंग भी जो होनी हो गई है, और लोगों के हाथों से शेयर भी निकले होंगे, कई लोगों ने ऊपर खरीदा, वो फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि इसका जो काम है आने वाले दिनों के लिए बेहतर होने वाला है, तो इसके अंदर आपको समय तो सर देना पड़ेगा। एक बारी में मल्टीबैगर शेयर आपको कभी नहीं मिलेगा, आपकी झोली में होगा लेकिन वो आपकी झोली के निकलने के बाद ही मल्टीबैगर बन जाता है। तो अगर ये ऐसे टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी के साथ जुड़ता जिसका फ्यूचर कुछ नहीं है, तो कब के हमारे हाथ इसके अंदर से रुक जाते। तो आपको ये समझना है कि इसका रिजल्ट आ गया है, और रिजल्ट में इन्होंने 5 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, तो ये आपको समझना है कि ये प्रॉफिट बिल्कुल भी इसकी वैल्यू से मैच नहीं खा रहा है। जिस तरीके से ये काम कर रहा है वो अलग तरीके से इसके क्वार्टरों में निखर कर जरूर आएगा, जब ये 5G की सुविधा जियो के साथ मिलकर पूर्ण करेगा। तो ये आपको एक समझ आना था। तो बात करते हैं सर SBI की, और SBI की इसलिए बात करेंगे कि जिस तरीके से इनका प्रॉफिट भी घटा है, और आपको लगा होगा कि भाई ये सबसे बड़ा बैंक सार्वजनिक जो है हमारा SBI, ये तो ज़्यादा उम्मीद थी इसकी प्रॉफिट आने की, क्योंकि लगातार ये इतनी तेज़ी से शेयर 500 की तरफ गया है सर, ये बहुत ही जल्दी आपको 500 में शेयर मिला है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो देश का सबसे बड़ा बैंक है SBI, उस पर अपनी उम्मीद हमें खरी रखनी चाहिए, और काफ़ी बड़े लोग भी इसमें खरीदारी करने की बात बोलते हैं सर। SBI अपने खर्चे को कम करने के लिए सहायक इकाई शुरू करने वाला है, जिसकी वजह से गांव और कस्बों में कृषि और MSME जो ऋण है वो दिए जाएंगे। इससे क्या होता है सर, छोटे छोटे लोगों को या कृषि वालों आदमियों को जो लोन दिए जाएंगे उससे ज़्यादा रिटर्न आने की उम्मीद SBI लगा रहा है, और इस काम के लिए इसने बंधन बैंक के पूर्व कारोबारी प्रमुख को एक अपना काम सौंपा है, और उसकी वजह से ये अपनी राह कस्बों और गांवों से इस तरीके के लोन से वृद्धि करना और अपने खर्च को कम करने की अनुमान इसने लगा लिया है। जो बैंक अब कस्बे और आपके गांव में अपनी ऋण की सुविधा देगा वो आपको कितनी बुलंदियों पर नज़र आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर कि जब हम छोटे 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 लोगों को साथ लेकर चलते हैं ना, तो हमारी एक टीम बन जाती है, और जब वो टीम अच्छा काम करती है तो वो हमें बहुत आगे का प्रोग्रेस दिखाती है। तो SBI को ये लगा कि वो छोटे कस्बे और गांव में जाकर इस तरीके के लोन जो बांटेगा कृषि के लिए, MSME के लिए, तो उससे उसके अंदर ज़्यादा इजाफा होने का उम्मीद लग रही है। तो आपको ये देखना है कि SBI के बढ़ते कदम अच्छे की ओर हैं, तो अच्छा इसको समझकर आपको अपने अनुसार इसको देखना चाहिए सर। तो बात करते हैं सर KBC की, और KBC की बात इसलिए करेंगे क्योंकि इसके अंदर आज आपको ग्रीनता देखने को मिली है। मैंने इसके अंदर अपनी नज़र 2.65 रुपये पे लगाई थी, सिर्फ 1000 शेयर के द्वारा, कि डूब गए तो डूब गए। मैंने इसके अंदर जो दाव लगाया था वो लगाया था सर FIs की होल्डिंग को देखकर, जो FIs भागने से मार्केट और आने से मार्केट ऊपर चले जाती है, तो उसके अनुसार हमें कुछ दिशा मिल जाती है जो हमें KBC में दिखा रहा था। खनन के क्षेत्र में ये बिजनेस भी स्टार्ट करने वाली है, लेकिन उसकी पूर्णतया अभी न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है, फिलहाल ये एक बीते दिनों की बात है। फिर भी अगर ये इस पर वर्क करती है तो ये भी एक बेस्ट काम होने वाला है।
छोटे घर और विला ये निर्माण करती है और आने वाले टाइम में ये अलग नीतियों पर अपनी परियोजना भी ये निकालने वाली है, जिसके लिए ये आने वाले दिनों में आपको मजबूत होता दिखाई देगा। जब लोग 16 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये वाले कमेंट मुझे करते हैं कि यहाँ पर हमने ले रखा है, तो कहीं ना कहीं एक दिशा ये लग रही है कि ये बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर गया होगा, तभी उन लोगों ने इसके अंदर एंट्री करी थी। तो एक दिशा मेरी ये भी ठनक गई थी कि लोग 16, 15 में भी लेकर बैठे हैं इसको, और अब शेयर इतने नीचे हैं, तो मैंने फिर इसके अंदर 2.65 रुपये पर बाय किया था, और अब इसने आपको अपना अपर सर्किट दिखाया है सर। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ मैं कि 14 अगस्त को इनका रिजल्ट भी आने वाला है, ये तेजी उसकी भी हो सकती है। फिर भी कुछ छोटे थोड़े बहुत शेयरों के साथ ऐसे शेयरों में रुकना चाहिए, क्योंकि पैनी स्टॉक तो सर ये है ही, क्योंकि जो 2.40-2.50 रुपये तक भी शेयर आ चुका है इतने ऊपर जाकर, तो उस शेयर से हमें उम्मीद कम लगाकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ज़्यादा लगाकर आपने इन्वेस्ट किया ना, तो धोखा मार्केट में तो होने वाला है। और बाकी जो वीडियो आपके लिए बना देते हैं, मल्टी बैगर बनने वाला है, तो उस पर भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिलहाल इसमें आपको कम शेयरों के साथ रुकना है जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि हम जो एनालाइज करते हैं सर वो ऐसी है कि लोगों को बुरी लग जाती है। अब जो शेयर आइडिया के मेरे पास हैं सर, मेरे पास भी 2 होल्डिंग आइडिया की है, लेकिन जो उसके अंदर मुझे न्यूज से प्रतीत हो रहा है, मैंने वो ही आपको कल भी बताया है, लगातार बता रहा हूँ कि 16 को इसकी अलग चाल शुरू होगी, और उसके वजह से ये थोड़ा सा अभी आपको नरमी भी दिखा सकता है। तो इसके अंदर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि शेयर मेरे पास भी है। ये जो आपको न्यूज भी जाननी होगी, सच को सुनने की हिम्मत लाइए सर, और जब हम सच को सुनते हैं तो हमारे रास्ते भी सच्चे होने वाले हैं। तो ये नहीं कि मैं बेकार, अगर उसमें न्यूज आई तो मैं अच्छा बता दूं, अच्छे आई तो बेकार बता दूं। इसी तरीके से आपके साथ यस बैंक में भी हो रखा, आपको ये समझना है। लोगों ने आपको बहुत ही 2 रुपये की उछाल में बड़ा ही खतरनाक तरीके से जो बताया था इसमें ये होने वाला, ये भी आपको एक समझ में आना चाहिए सर। तो KBC में अभी मेरा मानना है 14 अगस्त के बाद आपको इसके अंदर अलग निर्णय आपको बनाना चाहिए। ये अभी आपको जल्दबाजी में इस शेयर में बिल्कुल भी एंट्री करने की दिशा नहीं दे रहा है। तो बातों को समझिए और बातों को समझकर ही काम कीजिए। तो बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी की बात इसलिए भी करेंगे कि बीते 4 से 5 महीने पहले जब मैंने आपके लिए एक वीडियो सुजलोन एनर्जी में बनाई थी, मैंने कहा था जो समुद्री किनारे होते हैं, अपतटीय किनारे होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं, वो 7600 किलोमीटर है। अभी तक किसी भी तरह की जो भी सरकार की नीति है, इस पे काम नहीं हो रहा है। विंड टरबाइन लगाने की एक PLI स्कीम केंद्र सरकार शुरू करना चाह रहा है, और ये चीज़ ऐसी दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में सुजलोन एनर्जी और से संबंधित शेयर आपके उछाल पकड़ने वाले हैं। जब नाम PLI स्कीम से जुड़ जाता है ना सर, तो उसका फायदा उठाने के लिए ना कंपनियां अपने को ज्यादा अच्छा करके दिखाने की संभव प्रयास करती है। जब सरकार ही किसी चीज में छूट देती है, उस छूट को लेने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी दाव लगाती है। अब यह देखना है कि इसके अंदर किन कंपनियों को PLI की स्कीम का एक बेनिफिट मिलता है, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो अडानी पावर हो, या कोई अदर इन्वेस्टर हो, या कोई कंपनी हो जो विंड टरबाइन का निर्माण करती हो, तो उन सब की निगाह अब इस PLI स्कीम जो सरकार शुरू करने वाली है उसके अंदर लग जाएगी, और उसके वजह से आपको सुजलोन एनर्जी जैसे शेयरों में तेजी के संकेत आने को मिलेंगे। और अभी 10 तारीख को इनका रिजल्ट आने वाला है, और ये तेजी आपको समझा रही है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, जिस वजह से सुजलोन एनर्जी अब इस रेट पर जो हमें मिल रहा है, जिसकी उम्मीद किसी भी लोगों को नहीं है, क्योंकि ये रेट सर जो है ना सुजलोन एनर्जी के जो अब दिशा बनने वाली, फ्यूचर बनने वाला है, कहीं भी मेल नहीं खाता है। और अगर ये आगे तक प्रोग्रेस करे तो कई इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। अगर आपको पता लगे कि भाई सुजलोन एनर्जी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है,
तो हम सब मिलकर इस शेयर को खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी ये शेयर इतनी तेजी के साथ ऊपर नहीं जा रहा है जिसकी उम्मीद सबको है, तो फिर इसमें भी हमें कम शेयरों के साथ उतरना चाहिए। और ये गवर्नमेंट जो PLI स्कीम ला रहा है 7600 किलोमीटर की जो रेखा है अपतटीय रेखा, उसके अंदर विंड टर्बाइन लगाने की PLI की स्कीम, अब देखते हैं ये चीज़ किसको और कितनी जल्दी ये इसका फ़ायदा कौन उठाता है। तो बात करते हैं सर यस बैंक की, और यस बैंक की बात इसलिए करेंगे 2 रुपये की जो तेजी और जो हल्ला मचा, और उसके बाद जो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, और मैंने आपको कहा था कि मैंने तो इसके अंदर से एग्जिट कर चुका हूँ। मैंने इसके अंदर से एग्जिट सर 17 रुपये के ऊपर ही कर लिया है, लेकिन मैं एक दिशा ये देख रहा हूँ कि कब इसके अंदर हमारी एंट्री बैठती है। जब मुझे पता ही लग गया कि इसके अंदर 50 से 70 दिन ARC में लगने वाले हैं, तो मैं अभी इस तेजी में इसके अंदर एंट्री करने की सुविधा किस तरीके से तलाश करूं, इस उधेड़ बुन में मैं लग रहा हूं सर, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को जाने बिना उसके अंदर इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता। और 2 इन्वेस्टर आने वाले हैं, और SBI इसके अंदर से 30% से 26% का स्टेक मार्च 2023 तक रखने की उम्मीद बता रहा है। वो कह रहा है इतना बहुत है, ठीक है, तो वो भी आपको समझना एक चाहिए सर। अभी एक न्यूज़ निकल कर और आई है जिसकी वजह से लगता है मुझे कि आज यस बैंक गिरने को मजबूर हुआ। IDFC फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक और यस बैंक ने SpiceJet को जो लोन दिया था ना, वो हाई रिस्क में उसको रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं इस तरीके का लोन जो बड़े ही ऐसी कंपनी को दिया गया जिसकी आए दिन महीने दो महीने से बड़ी ही निगेटिव न्यूज आ रही है, और टेक्निकल और आपातकालीन जो लैंडिंग हो रही है उसकी वजह से ही ये बैंकों ने रिस्क पे ये लोन रखा है कि भाई इसके अंदर बड़ा ही खतरा होने वाला है। तो ये भी एक चीज़ ऐसी दर्शा रहा है जो यस बैंक को आज गिरने पर मजबूर कर गया होगा शायद, जैसे मुझे लग रहा है ना। वैसे तो ये सर ये एक निगेटिव न्यूज़ है, लेकिन SpiceJet ने कहा है कि इस तरीके से उन्हें कुछ भी बात का पता नहीं है। तो जो भी न्यूज़ निकल कर आती है उसका इफ़ेक्ट तो पड़ जाता है, और फिर आपको पता है कि SpiceJet में कई प्रॉब्लम आ चुकी है, और जिस तरीके से इस कंपनी को 50% की उड़ान भरने की अनुमति है और 50% की रोकने की है, तो ये भी एक चीज़ दर्शा रहा है कि हाँ ये एक चीज़ है जो यस बैंक, इंडियन बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक जो लोन दिया है वो कहीं प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे, क्योंकि ARC जो बैंक कर रहा है उसे भी वो NPA को ख़त्म करने के लिए कर रहा है, फिर इस तरीके के लोन भी सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम सी खड़ी हो जाती है सर। तो सारी स्थितियों को आपको जानना है, PLI की स्कीम अब तटीय रेखा में जो विंड टर्बाइन लगेंगे उसके लिए केंद्र सरकार एक स्कीम निकालेगा, उसमें कौन कौन भाग लेगा, KBC में आपको 14 अगस्त तक के इंतज़ार करना पड़ेगा, और यस बैंक में तेज़ी के संकेत बन रहे हैं, वो कब बनते हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि मुझे इसके अंदर तेज़ी के संकेत नहीं बन रहे हैं सर, तेज़ी के संकेत मुझे इसके अंदर यस बैंक में दिख रहे हैं, फिर भी आप अपने अनुसार इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। और सुबैक्स में प्रॉफिट बुकिंग रिजल्ट और आने वाले दिनों की एक समीकरण जो मैंने आपको बताया उसको आपको अपनी नज़रों में रखना जरूर पड़ेगा, ये मेरे आपसे गुजारिश है। और किसी भी तेज़ी में बिल्कुल भी एंट्री बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब प्रॉफिट बुक होता है तो कहीं ना कहीं हमें एक धोखा सा लगता है, लेकिन वो धोखा होता नहीं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।